हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अनदर टाइप ऑफ फ्रोबेनियस मेथड। ध्यान से समझे, जब रूट्स क्या हो, के की वैल्यू यानी कि क्या हो, अनइक्वल हो, लेकिन उनके बीच में क्या हो, इंटीजर का डिफरेंस हो, जिसकी वजह से कुछ कोफिशेंट क्या बनते हो, इन्फिनिटी। दो टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इंटीजर का डिफरेंस होगा लेकिन इंटीजर के डिफरेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इंटीजर का डिफरेंस होगा और उनकी वजह से क्या बनेगी, प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी वो एक्सरसाइज है जिसमें इंटीजर का डिफरेंस है और उससे कोफिशिएंट क्या बन रहे हैं आपके, इनफाइनाइट। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने सेकंड किया, वो एक्चुअल में सेकंड क्वेश्चन एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, वैसे ही एक्स को जीरो पुट करा, पता चल गया कैसा सॉल्यूशन है, रेगुलर सिंगुलर, ये सारे स्टेप आपको आते ही हैं। वाई की वैल्यू रख ली, ए एन एक्स की पावर के प्लस एन समेशन, डेरिवेटिव कर लिया, डबल डेरिवेटिव कर लिया, इक्वेशन में क्या कर लिया, पुट कर लिया। देखिए, एक दो तीन चार पाँच, टोटल हमारे कितने, पांच समेशन बन गए, एक दो तीन चार और पांच, जिनमें से कि देखने पे पता चलता है कि फर्स्ट समेशन के अंदर पावर है k प्लस एन माइनस वन, सेकेंड और फिफ्थ समेशन के अंदर पावर है k प्लस एन, तो मैंने इन दोनों, और इंडेक्स भी इनका सेम है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है, टी मान के टी टी माइनस वन माइनस टू के फैक्टर बन गए थे, मैंने उनको यहां पर कंबाइन कर लिया। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ दोनों में के प्लस एन प्लस वन है और समेशन भी जीरो स्टार्ट हो रहा है, तो हमने इनको इकट्ठा, अब हमारे पास क्या हो गए हैं, तीन समेशन हो गए हैं, एक्चुअल में पांच की बजाय तीन रह गए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पता ही है, पावर सेम बनाना, वैसे तो आप कोई भी पावर बना सकते हो, मैंने लेकिन सबकी एन के प्लस एन बनाई हुई है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, एन माइनस वन को क्या पुट कर लिया, फर्स्ट में तो एम, तो जब एन जीरो से स्टार्ट है तो एम कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस वन से, और थर्ड में क्या करा, एन प्लस वन की जगह पर क्या पुट कर लिया है, एम, तो जब एन जीरो से स्टार्ट है तो एम कहाँ से शुरू होगा, वन से। ये सारे कॉमन स्टेप हैं, हर एक मेथड में क्या है, सेम चलेंगे। उसके बाद अब मैंने फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, एम की जगह एन को लिख लिया। नेक्स्ट है, अब बारी है इंडेक्स सेम करना, अब बड़ा इंडेक्स है कौन, वन, अब बड़ा इंडेक्स है वन, तो हम इस सबको इंडेक्स को कहां पर लेके जाएंगे, वन पे, तो मैंने इसका क्या करा, माइनस वन और माइनस वन खोल लिया और जीरो खोल लिया, कहां पर आ गया, वन पे, इसका क्या करा, जीरो खोल लिया, ये कहां आ गया, वन पे, ये पहले से ही कहां पे था, वन पे, एक जैसे ही टर्म इकट्ठी कर ली, एक्स की पावर के माइनस वन एक ही टर्म थी, एक्स की पावर के एक ये रही और एक ये रही, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और बाकी तीनों समेशन इकट्ठे कर लिए। नेक्स्ट, अब कोफिशेंट की वैल्यू निकालने की बारी, तो सबसे कम पावर के कोफिशेंट को जीरो को इक्वेट कर दिया, ए नॉट की वैल्यू जीरो होती नहीं, तो फिर क्या आ गया, ये देखिए के की दो वैल्यू आ गई, जीरो और वन। अभी भी हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, अगर प्रॉब्लम आएगी ये याद रखिए तो हमेशा किसकी वजह से आएगी, छोटे वाले रूट की वजह से आएगी हमेशा। ठीक है, अब ए वन की वैल्यू निकाल ली यहां से, सेकंड जो टर्म थी उसके कोफिशिएंट को जीरो रखे और बाकी इसको जीरो पुट कर लिया, हमारा ए एन प्लस वन आ गया, कब वैलिड है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए। जब मैंने इसमें टू पुट, एन की जगह वन पुट करा तो ए टू की वैल्यू आ गई, ए टू की वैल्यू के लिए ए वन की वैल्यू की जरूरत थी, जो मैंने पुट करके क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, स्टेप वही है पुराने। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ए थ्री की वैल्यू निकाल ली, सिंप्लीफिकेशन कर ली और मैंने इक्वेशन नंबर टू में इसको क्या कर लिया, पुट कर लिया सब वैल्यू, ए नोट एक्स की पावर के क्या आ गया, कॉमन। यहां तक सभी केसेस में क्या चलेगा, सेम, चारों केसेस। अब देखिए, हमारे पास दो वैल्यू थी, जीरो और वन, मैंने अभी बताया आपको, अगर प्रॉब्लम आएगी तो किसकी वजह से आएगी, छोटे रूट की वजह से। अगर मैं के को जीरो पुट करता हूं तो ये देखिए इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी। तो इस मेथड में एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, इस मेथड में एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि ए नोट देखो कोई भी कांस्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था ए नोट को आप लेना चाहो लो, रखना चाहो, हटाना चाहो हटा दो, लेकिन इस मेथड में चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, ए नोट को मान लेते हैं बी नोट के माइनस वो वाला रूट जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, और वो हमेशा अगर प्रॉब्लम आएगी तो छोटे रूट की वजह से आएगी, तो k माइनस ए नोट की जगह क्या पुट कर लिया, b नोट इंटू के माइनस जीरो। तो b नोट तो बाहर रह गया, k को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, यहां k आ गया और इन सब का k डिनोमिनेटर में से क्या हो गया, कैंसल हो गया, बस ये एक्स्ट्रा स्टेप है और कुछ नहीं है।
अगर मान लो इसके रूट होते वन और टू और प्रॉब्लम आती वन की वजह से, तो मैं यहाँ रखता ए नॉट इक्वल टू बी नॉट के माइनस वन, तो नीचे फिर के माइनस वन होता, वो सारे कैंसिल। अब बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, मेथड है। अब अगर आपको फर्स्ट सोल्यूशन निकालना है तो इसके अंदर के की जगह क्या रख दीजिए, जीरो, मैंने जीरो पुट कर दिया है और मेरा फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, आ गया है। सेकेंड सोल्यूशन निकालने के लिए अब मेरे को इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, के विद रिस्पेक्ट टू करली वाई बाय करली के, वो आपको आता ही है। जैसे फर्स्ट एज इट इज एक्स की पावर के का डेरिवेटिव एक्स की पावर के लॉग एक्स प्लस, फिर ये एक्स की पावर के एज इट इज और इसका इसका डेरिवेटिव देखिए, इसका ब्रैकेट का के का वन, के माइनस टू का वन आना था, फिर इसका मैंने जो कल आपको मेथड बताया था उसकी हेल्प से कर लिया मैंने u एज इट इज, और ये मानते हुए कि ये इसका लॉगरिथम है, तो डेरिवेटिव का तरीका मैं आपको समझा ही चुका हूँ। फिर अब क्या करेंगे, अब दोबारा से k को क्या पुट करना है, जीरो, सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए। आपको याद ही है, ये देखिए ये वही वाला पार्ट है जो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए था, तो जीरो पुट करेंगे तो y1x वन एक्स लॉग एक्स और प्लस दूसरे में के की जगह जीरो, वन माइनस एक्स, जीरो पुट कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करके देखिए, जीरो रख के माइनस फाइव एक्स के माइनस एक्स क्यूब एटसेट्रा, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालना है। तो मेन स्टेप क्या है, मेन स्टेप है आपका जब हम क्या करते हैं, जो कोफिशियंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये स्टेप मेन था, ये जीरो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो मैंने क्या करा, ए नोट को क्या पुट कर लिया, बी नोट इंटू के माइनस जीरो। इसकी हेल्प से चार क्वेश्चन दिए हुए हैं 1.7 के अंदर, एक मैंने करवा दिया, कोई भी दो करके आप अपने आप देखिए। ओके।